नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप और खास खबर में आपका स्वागत है। हरियाणा में शिक्षा का हाल क्या है, यह हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छुपी नहीं है, तो अब शिक्षा विभाग का नया कारनामा सामने आया है। फरीदाबाद में शिक्षा विभाग स्कूल बनाकर ही भूल गया और 5 साल से स्कूल की बिल्डिंग खाली पड़ी है। यहां अभी तक कोई एडमिशन नहीं हुआ है और हैरान करने वाली बात तो यह है कि विभाग के अधिकारियों को इसकी खबर तक नहीं है। यूं तो देश भर में स्कूलों की कमी है, लेकिन फरीदाबाद इससे अलग है। यहां शिक्षा विभाग स्कूल बनाकर ही भूल जाता है। दरअसल स्मार्ट सिटी के सेक्टर 91 सूर्य नगर फेस 1 में शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूल की इमारत बनाई थी, पर स्कूल में आज तक एक भी एडमिशन नहीं किया गया। ये स्कूल अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। शिक्षा विभाग के कानों में 4 साल पहले जब यह आवाज पहुंची तो स्कूल में चौकीदार का इंतजाम किया गया और अब चौकीदार 2 कमरे में ही अपने परिवार के साथ रह रहा है और अब पूरे स्कूल को उसने अपना आशियाना बना लिया है। जब इस बारे में चौकीदार से बात की गई तो उसने बताया कि उसे तिलपल के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने रखा हुआ है और वह पिछले 4 सालों से यहाँ रह रहा है। मलकान जी, ये स्कूल में आप रहते हैं? हाँ, मैं रहता हूँ सर। आप कब से यहाँ चौकीदार हैं? वो 4 साल हो गए। 4 साल से यहाँ। तो स्कूल आपको किसने रखा हुआ है? ये रोहतास सर ने रखा है। कौन है रोहतास? रोहतास सर तिलपत स्कूल में प्रिंसिपल है। क्या उनके ही अगुवाई में? उन्हीं के अंडर में स्कूल, भी उन्हीं के अंडर में और हम भी उन्हीं के अंडर में। तो यहाँ स्कूल का नाम तो ना तो कोई बोर्ड है स्कूल के नाम पे? कुछ नहीं, अब ये पूरा बन जाए। जब वो कह रहे हमें बात हुई थी सर से, सर कहते हैं पूरा बनेगा, पहले यहाँ से भराव होगा, दीवार होगी, 4 दीवारी होगी, गेट लगे। जब इतने 5 साल पहले कमरे बना दिए गए, अब तक नहीं बना। हाँ, बजे कोई सामने आपको अब क्या बताए सर, हम नहीं इतनी जानते हैं। देखो ठीक, अब ये बड़े अधिकारी वो ही जानते हैं। आप ये बता सकते हो, आपने कोई जैसे आई कार्ड हो या सरकारी एम्प्लॉईज हो, आप सैलरी कहाँ से मिलती है? कोई नहीं होता है, मैं रोहतास सर से तुम्हें बात करा। सैलरी कहाँ से मिलती है आपको? आप सरकार की तरफ से? हाँ, सैलरी मतलब जो रोहतास सर की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, सैलरी सरकार देती है या? नहीं, रोहतास सर ही देते हैं भाई, हम उन्हीं के अंडर में। उन्होंने आपको प्राइवेट रखा हुआ? प्राइवेट रखा हुआ है, उन्होंने रखा गया मेरे को। प्राइवेट रखा हुआ है ना? प्राइवेट हो आप तो आप परिवार भी आपके साथ यही रहता है? जब तोड़ फाड़ इसकी हुई स्कूल की, गेट टूट गए, एक लेटिंग करने लग गए लोग, दीवार टूटना शुरू हो गया, गेट उसके लिए देखा कि देखभाल आपको यहाँ करने के लिए रखा जाता है। ठीक, प्राइवेट। तो उन्होंने कही कि मतलब एक कमरा आपके लिए है और मैंने फार्म भर दिया है, ठीक, और तुम्हें यहाँ देख रेख के लिए रखा जाता है, तो यूँ करके सर मैं यहाँ हूँ। ठीक है, और मैं उनसे कहो तो उनसे बात करा दूँ रोहतास सर से। बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान ने मौके पर जाकर स्कूल का हाल देखा। एलन पाराशर ने बताया कि शिक्षा विभाग ने 5 साल पहले प्राइमरी स्कूल की इमारत बनाई थी, पर आज तक यहाँ किसी बच्चे का एडमिशन नहीं किया गया। स्कूल धीरे धीरे खंडर में तब्दील होता जा रहा है। बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया मैदान आवारा पशुओं का घर बन गया है और यहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जी, मैंने शिकायत दी है प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री को, और उसमें लिखा है कि 5 साल से स्कूल था जो, वो खंडर हो गया है, इसमें बच्चे पढ़ने चाहिए थे, यहाँ आवारा पशु घूम रहे हैं और यहाँ पर प्राइवेट आदमी रखा हुआ है। इसके एवज मैंने कंप्लेंट की है और इसके यहाँ के बच्चे, हजारों की आबादी है इस सेक्टर में, यहाँ के बच्चे सियतपुर पढ़ने जाते हैं, जो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैंने दिखाया था, जो स्कूल नहीं मौत का स्कूल था, कभी भी खंडर हुआ था, उसमें बच्चे जाते हैं। यहाँ इतना गंद है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सरकार की जो नीति है वो सारी कागजों में है,
बच्ची पढ़ाओ, बच्ची बचाओ, यहाँ बच्चों के लिए देखो स्कूल नहीं है, सेहतपुर जाना पड़ता है। दूसरा स्वच्छता अभियान आपने देखा होगा, जंगली जानवर के, जंगली पशु कितने हैं और कितनी पॉलोथीन पड़ी हुई है, जबकि पॉलोथीन बैन है हमारे यहाँ, उसके बावजूद कितनी पॉलीथीन पड़ी हुई है जिनको गाय खाती है। इस स्कूल का दौरा किया तो आपको क्या मिला है यहाँ पर? इस स्कूल में कुछ भी नहीं है, स्कूल के नाम पे कोई चीज ही नहीं है। कमरे बने हुए हैं, कमरे खाली हैं, लॉक लगे हुए हैं। एक कमरा है उसमें किसी ने देखभाल के लिए कोई रख रखा है। किराए पे, किराए पे, किराए पे, किराए पे, सरकार किराए पे दे रहे हैं किसी को। हरियाणा सरकार बेहतर शिक्षा की बात करती है कि बेहतर शिक्षा हम अपने भविष्य के बच्चों को दे रहे हैं, तो क्या ये बेहतर शिक्षा का एक नमूना है? हाँ जी, ये एक आपके माध्यम से दिखाया था मैंने, ध्वज में जहाँ तबेला बन रहा था वो आपके माध्यम से स्कूल बना, ये भी खंडर हो रहा है। ये सारी की सारी जो बात है ये दिखावा है। सैयदपुर में आपके माध्यम से जब खबर पहुंची दो घंटे बाद कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने 30 लाख रुपए इसके लिए अनुदान दिए हैं, तो अभी आप इस पे क्या कार्रवाई करना चाहिए? अगर इस पे सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं हाई कोर्ट में रिट फाइल करूंगा इनके खिलाफ। ऐसा नहीं है कि 5 साल में किसी ने भी शिक्षा विभाग और सरकार को याद न दिलाई हो, अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक सबको जानकारी दी गई पर किसी ने सुध नहीं ली। की बात कर रहे हैं और स्कूल 5 साल पहले बनाया गया था, ये जब स्कूल बना तभी मुझे इस पे शंका थी क्योंकि इसके बगल में जो जमीन है वो डिस्प्यूटेड है, सड़क का और नगर निगम का और जो पड़ोस में खेत है उनसे डिस्प्यूट चल रहा है। तभी मैंने कहा था कि इस स्कूल को आप नगर निगम वालों बना तो रहे हो, ये गलत कर रहे हो आप, जब तक आपकी जमीन का डिसीजन नहीं हो जाता। चलो इन्होंने बना भी दिया, तो बनाने के बाद में इस पर इन्होंने कोई भी उसके आगे कार्रवाई नहीं करी। मैं अपने बड़े मंत्री छोटे मंत्री दोनों से कई बार मिला कि भाई हमें यहाँ स्किल इंडिया ही दे दो, अगर प्राइमरी स्कूल नहीं दे सकते तो, अगर आपके पास टीचर नहीं है या कोई और कमी है या आप खाली इसको घोटाले का माध्यम ही बनाना चाहते हो आप लोग इसको कि भाई हमने पैसा इसमें खर्च करना है और उसके बाद में पैसे बनाने हैं, तो वो बात अलग है, आप दुनिया को जनता को कैसे भी ठग सकते हो। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी ना तो शिक्षा अधिकारी सुन रहे हैं, ना यहाँ के नेता सुन रहे हैं, ना प्रशासन सुन रहा है, तो सरासर ऐसा लगता है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। और यही नहीं ऐसे 4 स्कूल और बनाए इन्होंने, पता चला कि वो भी ऐसे कैसे ही पड़े हुए हैं। अभी दर्जनों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ने की कंडीशन में नहीं है, ऐसे स्कूल्स हैं और 3 आपके माध्यम से चालू हुए हैं, 2 तो चालू हुए हैं, एक चालू हुआ, एक ही है और एक सैयदपुर वाड़ी में कंस्ट्रक्शन की वो दी गई है। जहां तक जमीन की बात है, स्कूल बना है, सरकारी स्कूल है, निगम भी सरकार के अंडर आता है, या तो स्कूल बनाते ही नहीं। स्कूल में इतने रुपए करोड़ रुपए लगाकर और इस स्कूल को खंडर बना दिया, सरकार की इसमें नाकामी है और इसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही एक सहारा है जो उसमें रिट फाइल की जाएगी जिससे कि यहाँ के बच्चे पढ़ सके। बाबा अगर बात करें, आप निवासी हैं यहाँ के, किस तरह से आप देख रहे हैं पिछले 5 सालों से स्कूल को, किस तरह से यहाँ कुछ लोग भी यहाँ रह रहे हैं तो ये लोग किस तरह से इस स्कूल को बचा रहे हैं? इमारत को देखो, ना कोई बचाने का काम कर रहा है इसको और ना किसी तरह का कोई वो हो रहा है, ठीक है। ये जिसने भी रखा है, क्या हम किसी बिल्डिंग में, सरकारी बिल्डिंग में किसी को इस तरह रख सकते हैं, वो भी सिंगल एक बिल्डिंग को रखवाली के लिए? ये भी तो एक वो है, भ्रष्टाचार है। अगर हम सही तरीके से देखें, सही एंगल से देखें, तो ये कौन से हिसाब से, किसकी परमिशन से रखा, और अगर रखा भी है तो क्या इनको ना तो आई कार्ड दिया गया है, ना ही किसी तरह का इनको यहाँ पे और कोई सुविधा दी गई है। अगर सरकारी कर्मचारी होता तो पूरी सुविधाएं इसको दी गई होती। इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, अभी आपने देख ही लिया है, यहाँ पर कूड़े को डंप करके प्रदूषण को भी बढ़ाया जाता है, उसको जलाया जाता है। ये एक ऐसी इनको सेफ जगह मिल गई है कि जहाँ किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकते हैं। बस इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ। स्कूल की इस हालत को लेकर शिक्षा अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता कि यहाँ कोई बिल्डिंग भी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्कूल चलाना ही नहीं था तो बिल्डिंग क्यों बनाई गई?
बिल्डिंग बनाए गए तो अभी तक किसी अधिकारी ने इसकी खबर क्यों नहीं ली और जनता के पैसों की जो बर्बादी हुई उसका जिम्मेदार कौन है? फरीदाबाद से यशपाल सिंह की रिपोर्ट।